सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फाइलेंट्स के अंदर। तो गाइस पिछली वाली वीडियो में हमने माइन किए थे डायमंड्स और मैंने बोला था कि उससे आर्मर भी बनाएंगे और उसको फुल्ली इंचांट भी करेंगे। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले अपने लिए एक हाउस और वहीं पर अपना इंचांटिंग भी बनाना पड़ेगा। इसलिए हम आज की इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले एक हाउस। और पिछली वाली वीडियो में डॉग के बहुत सारे नेम सजेस्ट हुए थे, तो दो लोगों ने बताया कि इसका नेम पुष्पा रखा। तो गाइस इस डॉग का नाम रहेगा आज से पुष्पा। और अभी मेरे पास नेम टैग नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नेम भी नहीं दे सकते। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड करने का काम, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर अपना हम हाउस बना सके। तो यहाँ पर तो वीट फार्म है अभी के लिए और इस साइड अभी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोचा इस पहाड़ी के यहाँ पर से अपन घर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक सीधा स्टेयर टाइप रास्ता बनाएंगे और ऊपर जाके हम यहाँ पर से एक स्टेयर टाइप यहाँ पर अपन बना लेंगे, स्टेयर्स लगा देंगे। और यहाँ पर से अपन सीधा एक पूरा फ्लैट एरिया बना देंगे और उसके ऊपर अपना हाउस बना देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेयर्स बनाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं घर बना रहा था और मुझसे मिलने आ गए मिस्टर इंडिया। मेरा नाम है मिस्टर इंडिया, जो कि गायब हो गए थे, तो मैंने उन्हें भी गायब कर दिया। तो गाइस हमने यहाँ पर अभी के लिए स्टेयर्स बना दिए और ये वाली स्टेयर 20 ब्लॉक्स की स्ट्रेट होने वाली है और ये लिटरली बहुत ऊपर तक जाने वाली है गाइस। और अभी मेरे को सबसे टॉप पर जाके यहाँ पर पूरे में डर्ट फील करनी पड़ेगी और यहाँ पर ही अपना हाउस बनेगा। तो मैं जाता हूँ और जल्दी से बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करके लेके आता हूँ और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैंने लगभग 6 स्टैक मैंने अभी के लिए डर्ट इकट्ठा कर ली है और अभी अपने वीट भी ग्रो हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे हार्वेस्ट करते हैं। लगभग 11 स्टैक अपने पास वीट हो चुका है और पहले सो जाते हैं, उसके बाद सुबह एरिया फ्लैट करेंगे। तो गाइस हमारा एरिया एकदम अभी के लिए 40% कंप्लीट हो चुका है और लिटरली इसको करने में 5 स्टैक से भी ज़्यादा डर्ट लग गई। और इसकी साइज़ की बात करें तो बीच में अपने 20 ब्लॉक्स स्टेयर्स के थे और उधर की साइड मैंने 10 ब्लॉक्स और इधर की साइड भी 10 ब्लॉक्स और लगाए हैं। और ऐसे स्ट्रीट की साइड मैंने शायद से 25 ब्लॉक्स लगाए हैं। तो मैं डर्ट कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपको इस एरिया को पूरा बनने के बाद। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये वाला एरिया फ्लैट कर लिया है और अभी बनाते हैं एक हाउस, बल्कि हम हाउस नहीं बल्कि एक कासल बनाने वाले हैं। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एक हाउस बनाना नहीं आता और मेरे को बिल्डिंग नहीं आती, इसलिए मैं हाउस नहीं बनाऊंगा और एक कासल बनाऊंगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। और जल्दी से मैं आपको मिलता हूँ सामान इकट्ठा करने के बाद। तो इस कासल को बनाने के लिए हमें चाहिए स्लैब प्रूफ की वुड और स्टोन ब्रिक्स चाहिए, तो मैं जल्दी से ये सामान और बाकी का सामान कलेक्ट करके मिलता हूँ आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये सामान इकट्ठा कर लिया, स्टोन ब्रिक्स और सैप्रूस की वुड। और आप बोलोगे सैप्रूस की वुड कहाँ से मिली, तो ये वाली मेरे को वहाँ पर एक आइस वाला बायोम है वहाँ पर से मिली। और जो मेरी सीरीज़ देख रहे हैं उन्हें पता है कि उधर साइड एक आइस का बायोम है। तो जल्दी से कासल बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस
गाइस हमारा कासल एकदम रेडी हो चुका है और इसका इंटीरियर का काम बाकी है, तो मैं आपको मिलता हूँ इंटीरियर कंप्लीट करने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और सामने की साइड इतनी सारी पेंटिंग्स मैंने बना के लगा दी है और ये बहुत अच्छी लग रही है। और साइड में हमारा आता है एक डायमंड का आर्मर जो कि हम बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ये सिर्फ सजावट के लिए है। और बाद में हम यहाँ पर नेदरराइट का आर्मर भी लगाएंगे और ये वाला आर्मर भी वहीं पर माइनिंग करके डायमंड से उसी से बनाया है। और साइड में अपना एक बेड है और अभी तो इधर अंदर साइड एक चेस्ट रूम है। और हाँ गाइस, ये ऑफलाइन में मैं यहाँ पर ये स्टेयर्स लगा दूंगा एकदम अलग अलग टाइप्स की, तो यहाँ पर एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। और मेरे को अभी पता चला कि इंटरमेंट टेबल बनाने के लिए शुगर केन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उधर की साइड में एक शुगर केन का फार्म भी बना लूँगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और हाँ कमेंट्स में बताना ये कासल आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।